हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। चलिए राव इंद्रजीत के बाद बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया, गुजरात के सुरेंद्रनगर में सभा के दौरान थप्पड़ मार दिया है। हार्दिक पटेल ने इस थप्पड़ को बीजेपी की साजिश करार दिया है। तो कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को एक शख्स ने थप्पड़ मारा, बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। चुनावी दौरान कभी जूता फेंका जा रहा है, कभी स्याही तो कभी थप्पड़ जड़ा जा रहा है, अब हार्दिक पटेल के साथ ही हादसा हो गया। हालांकि हार्दिक पटेल ने इस पर भी बीजेपी की साजिश करार दिया, इस पर भी वो राजनीति करते नजर आए। कांग्रेस नेता को गुजरात के सुरेंद्र नगर में सभा वो कर रहे थे और उसी सभा के दौरान उनको थप्पड़ मार दिया गया है। हार्दिक पटेल ने इसको बीजेपी की साजिश करार दे दिया है। चलिए अब ये तस्वीर आ गई आपके सामने, ये देखिए सभा में संबोधित कर ही रहे थे। तो देखा आपने, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल गुजरात में मौजूद थे, गुजरात के सुरेंद्र नगर में वो सभा के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे, माइक के पास खड़े थे। उसी वक्त एक शख्स आता है और जोर का थप्पड़ लगाकर उनको कुछ कहता हुआ नजर आता है और इस हकपका से जाते हैं हार्दिक, एकदम सहम से जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ उनके साथ। अब देखिए कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को तो थप्पड़ मारा, ये आज की तस्वीर, लेकिन कल की जरा एक बार फिर से आप फ्लैशबैक की तस्वीरें याद कीजिए, जब कल जूता कांड हुआ था, किस तरीके से बीजेपी के नेता को जूता मारा जाता है। जूता हालांकि उन पर लगता नहीं है, लेकिन भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता उठाकर उन पर फेंक दिया जाता है। तो एक तरफ जूता मारा जा रहा है, दूसरी तरफ थप्पड़ जड़ा जा रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? आखिरकार हमारे नेताओं ने ऐसा क्या किया कि जनता में इतना गुस्सा है कि कभी जूता उठाकर फेंक देती है तो कभी भरे मंच पर थप्पड़ जड़ देती है। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर कल की दिखा रहे हैं, जब किस तरीके से जीवीएल पर जूता फेंक दिया जाता है, हालांकि उस शख्स को उसी वक्त पकड़ लिया जाता है, आरोपी को, लेकिन दूसरी तस्वीर आज की है जब हार्दिक पटेल को थप्पड़ मारा गया, हालांकि उन्होंने इसको बीजेपी की साजिश बताया कि बीजेपी की साजिश के तहत यह हुआ है।